हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं जो न्यू एन बुक है क्लास टेंथ का मैथ का प्रश्नावली एक पॉइंट एक का जो क्वेश्चन नंबर एक में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो वीडियो को आप लोग को अंत तक जरूर देखना है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को यहाँ पर क्लास नाइन्थ और टेंथ की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए यानी जो आपको संख्या दिया गया इसमें पाँचों को प्रश्न दिया गया एक दो और फिर यहाँ नीचे है तो इसमें से क्या करना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में केवल लिखना है तो कैसे करेंगे देखिए सर सबसे सब पहले सॉल्व कर लेंगे 140 का तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो आराम आराम से तोड़ेंगे सबसे पहले हम भागा दो से लगाएंगे ना दो सती कितना हो जाएगा चौदह और जीरो में कम जीरो यानी सत्तर दुनिया चालीस होता है फिर दूसरे चला जाएगा पैंतीस दुनिया सत्तर अब तो दो से जाएगा नहीं अब जाएगा पाँच से पाँच सते पैंतीस अब जाएगा सात से सात कम सात यानी आपको एक सौ चालीस को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखने के लिए कहा गया तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे एक सौ चालीस का आभाज गुनानखंड आभाज गुणनखंड तो देखिए पहले भागा गया था सर दो से दिए थे उसके बाद फिर दो से दिए थे उसके बाद फिर पाँच से दिए थे फिर उसके बाद हम लोग सात से दिए थे आप चाहे एक को लिखिए या ना लिखिए इससे कोई दिक्कत होगा नहीं तो ये क्या हो गया आवाज गुणनखंड अगर यहाँ देखेंगे तो दो दो ठो तो ये दो के पावर कितना हो गया दो पाँच एक ठो तो पाँच के पावर एक दीजिए या नहीं दीजिए कोई बात नहीं और सात एक ठो तो सात हो गया यानी 140 का आवाज गुणनखंड क्या हो गया दो के पावर दो गुना पाँच गुना सात इसी प्रकार से एक को तोड़ेंगे तो चलिए इसको भी तोड़ते हैं सॉल्व कर लेते हैं और एक भी क्या करेंगे हम सबसे पहले दो से भाग लगाएंगे क्योंकि ये संख्या है तो दो से भाग जाएगा तो दो सत्ती चौदह देखिए पंद्रह में चौदह चला गया तो कितना बचा एक एक यहाँ छः के पीछे लग जाएगा तो कितना जाएगा सोलह और दो अठी सोलह फिर दो से जाएगा दो ती या छः सात में छः तो एक बचा फिर अठारह हो गया दो नम अठारह अब यहाँ तीन से जाएगा तीन एकम तीन और तीन तीन नौ अब ये तेरह तो केवल अगर के, तेरह से जाएगा क्योंकि आभाज गखन है तो तेरह एकम तेरह अब यहाँ खत्म हो गया अगर दोनों में ध्यान से देख रहे हैं कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है कि आभाज गखन के रूप में केवल देने के लिए कह रहा है तो दो से जाएगा चार से जाएगा नहीं पाँच से जाएगा छः से नहीं जाएगा सात से जाएगा क्योंकि आभाज संख्याओं से केवल ये वाला भाग जाएगा तो आप लिखेंगे एक सौ छप्पन का आभाज गखंड एक सौ छप्पन का आभाज गुणनखंड पहले भागा कितना गया था दो से फिर भागा गया दो से उसके बाद तीन से उसके बाद तेरह से तो यहाँ लिखेंगे तेरह तो देखिए दो दो ठोए तो दो के पावर दो हो गया गुना तीन एक ठोए तो तीन के तीन हो गया और तेरह का तेरह हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन नंबर एक और दो कंप्लीट हुआ अब इसका तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में अड़तीस पच्चीस है इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अड़तीस पच्चीस सबसे पहले ट्राई कीजिए कि कितना से जा रहा है सबसे पहले हम दो से दो से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है नहीं तीन से देखते हैं तीन एकम तीन तीन दुनी छः दो बचेगा तीन सती इक्कीस हो जाएगा फिर एक बचेगा तीन पजे पंद्रह मतलब तीन से चला जाएगा देखिए तीन एकम तीन हो गया आठ में यदि तीन से भाग देंगे तीन दुनी छः आठ में छः गया दो बचा दो जाके आगे बन के बाईस बन गया तीन सती इक्कीस बाईस में एक बचा तो पंद्रह बन गया तीन पजय पंद्रह फिर देखते हैं तीन से जाता है कि नहीं जाता है चल जाएगा तीन चौके बारह सात बचा यहाँ पर सात का सात तीन दूनी छः एक बचा पंद्रह हो गया तीन पंजे पंद्रह अब चलिए फिर से तीन से देते हैं तीन एकम तीन एक बच गया यहाँ बन गया बारह तीन चौके बारह ये पाँच से तो तीन नहीं कटेगा पंद्रह पाँच तो देखिए आप पाँच से हम लोग देखते हैं ये बयालीस मतलब पाँच का पढ़ा आठ पर पढ़ेंगे तो चालीस आएगा पाँच अठे चालीस हो गया ना बयालीस में चालीस चला गया दो बचा अब दो आगे बजा कर पच्चीस बना लेगा तो पाँच पंजे पच्चीस हो गया फिर पाँच से देते हैं पाँच एकम पाँच आठ में पाँच गया तो तीन बचा और तीन आगे जाकर पैंतीस बना लिया पाँच सतें पैंतीस और यहाँ से आप सत्रह से जाएगा तो सत्रह एकम सत्रह तो लिखेंगे अड़तीस पच्चीस का आभाज गुणनखंड बराबर अड़तीस पच्चीस का आभाजनखंड तो देखिए सबसे पहले तीन से फिर तीन से पाँच से पाँच से सत्रह से तो तीन गुने तीन गुने पाँच गुने पाँच गुने सत्रह दो गो तीन आया तो तीन के पावर दो दो को पाँच आया तो पाँच के पावर दो सत्रह एक ठो आया तो ए लिखेंगे सत्रह और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका चौथा पार्ट देखते हैं चौथा पार्ट पार में पाँच हज़ार पाँच दिया गया है तो देखिए इसका भी हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं पाँच हज़ार पाँच का ये जाएगा कितना से तीन से ट्राई करते हैं तीन एकम तीन दो बचेगा तीन अठारह फिर दो बचेगा तीन छ का अठारह फिर दो बचेगा पच्चीस नहीं जाएगा इसका मतलब आप पाँच से जाएगा पाँच एकम पाँच जीरो बार में जीरो फिर जीरो बार में जीरो और पाँच एकम पाँच आप देखते हैं फिर पाँच से पाँच से तो नहीं जाएगा सात से देखते हैं सात एकम सात तीन बचा सात चौक अट्ठाईस दो बचेगा सात या इक्कीस चला जाएगा देखिए सात एकम सात दस में सात गया तो तीन बचा अट्ठा तीस हो गया सात चौक अट्ठाईस तीस में अट्ठाईस गया दो बचा दो यहाँ जाकर इक्कीस बना लिया तो सात तकईस बना ली। अब देखते हैं फिर सात से सात से तो नहीं जाएगा सात दो चौदह और तीन तो कटेगा नहीं आठ से देखते हैं आठ से नहीं जगह नौ से आठ से तो जाएगा नहीं क्योंकि आठ संख्या है और केवल आभाज उल्लंघन करने के लिए कहा गया था आभाज संख्या से केवल तो उसके बाद ग्यारह से देखते हैं ग्यारह एकम ग्यारह तीन बच्चे का ग्यारह तैंतीस देखिए अब ग्यारह से देते हैं ग्यारह एकम ग्यारह चौदह में ग्यारह गया तो तीन बचा और यहाँ तीन जाकर तैंतीस बना लिया ग्यारह तिह तैंतीस फिर यहाँ तेरह जाएगा तेरह एकम तेरह तो यहाँ लिखेंगे अतः पाँच हजार पाँच का आभाज गुणनखंड बराबर यहाँ लिख देंगे आभाजु न गुण खंड बराबर पाँच गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह तो पाँच गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह पाँच एक ठो सात एक ठो ग्यारह एक ठो तेरह एक तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा है ना चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं तो इसका पाँचवा पाठ है चौहत्तर उनतीस इसको भी सॉल्व करके आराम से बनाते हैं चौहत्तर उनतीस में सबसे पहले देखेंगे कि पहले कितना से जाएगा तीन से देखते हैं तीन दूनी छः एक बचा तीन चौके बारह दो बचा तीन सत्य इक्कीस एक बचा उन्नीस बन गया तीन से नहीं जाएगा पाँच से तो जाएगा नहीं सात से सात एक कम सात सात छक बयालीस नहीं जाएगा ग्यारह से ग्यारह छक छियासठ चौहत्तर में छियासठ तो चार चार आठ बचा बिरासी ग्यारह चौक चौवालीस घर पच्चीस पचपन गार छक छियासठ घर सतह सतहत्तर पाँच नहीं जाएगा आप देखते हैं तेरह से तेरह दुना छब्बीस तिरती उनचालीस तेरह चौक बहत्तर पच्चीस पैंसठ पाँच चार नौ तेरह सतह इक्यानबे नहीं जाएगा आप देखते हैं सत्रह से सत्रह दुना चौथे सत्रह सत्यावन सत्रह चौक अड़सठ सत्रह पच सत्रह चौक अड़सठ तो चौहत्तर में अड़सठ जाएगा तो बचेगा आपका छः छः यहाँ जाएगा बासठ मान लेगा सत्रह तेरह इक्यावन नौ बचेगा सॉरी ग्यारह तो ग्यारह मतलब एक सौ उन्नीस हो जाएगा सत्रह सतह एक सौ उन्नीस चला जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं सत्रह से सत्रह चौक अड़सठ सत्रह चौक कितना होता है अड़सठ चौहत्तर में अड़सठ गया तो कितना बचा छः छः आगे जाकर बरासठ बना लिया सत्रह तीन इक्यावन बारसठ में इक्यावन गया तो कितना बच गया ग्यारह बच गया और ग्यारह आगे जाकर एक सौ उन्नीस बना लिया तो सत्रह सतह एक सौ उन्नीस हो गया आप सत्रह से सत्रह दोनों चौंतीस छः तीन नौ नहीं बनावेगा उन्नीस से देखते हैं उन्नीस दुनिया अड़तीस तैंतालीस में अड़तीस तो पाँच संतावन बनाएगा चल जाएगा उन्नीस दुनिया अड़तीस पाँच बचा आगे चक्कर संतावन बनाया उन्नीस दिया संतावन और ये तेईस है तो तेईस से जाएगा तेईस से कम तेईस तो लिखेंगे अतः चौहत्तर उनतीस का गुणनखंड बराबर आभाज गुणनखंड बराबर सत्रह गुना उन्नीस गुना तेईस और यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा है ना तो इस वीडियो में देखें प्रश्नावली वाली एक पॉइंट एक में जो क्वेश्चन नंबर एक का पाँचों पार्ट था पाँचों पार्ट को हम लोग सॉल्व किए उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों पार्ट को आप समझ गए होंगे अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद